जहां मार्केट में अभी सिर्फ एसयूवीज का बोलबाला चल रहा है, वहीं वॉक्सवैगन कोशिश कर रही है कि सेडान्स को अभी भी जिंदा रखें। इसी के साथ वॉक्सवैगन ने लॉन्च किया वॉक्सवैगन वर्टस। वेलकम टू व्हील बीएचपी, आई एम संतोष एंड यू आर वॉचिंग वॉक्सवैगन वर्टस। अगर ओवरऑल फ्रंट लुक की बात करें तो यहाँ पे वॉक्सवैगन ने काफ़ी बैलेंस्ड यूज़ ऑफ क्रोम किया है। यहाँ पे आपको दो क्रोम लाइंस मिलते हैं जो एलईडी हेडलैम्प्स के साथ कनेक्ट करता है, एंड यहाँ पे आपको डीआरएल है जो उसके साथ कनेक्ट होता हुआ दिखता है। साथ में ये आपको ऑल एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलता है। इसका जो ग्रिल है ये बिल्कुल वॉक्सवैगन का जो डिज़ाइन स्टेटमेंट है उसके साथ ये मैच करता हुआ है, जो हमेशा से एजलेस लगता है। साथ में अगर आप लोअर बम्पर देखेंगे तो इसमें ग्लॉसी फिनिश है और वहाँ पे आपको एक क्रोम एलिमेंट देखने को मिलता है जो उस ग्लॉसी एलिमेंट को थोड़ा सा डिफ्यूज़ करता है, एंड इट रियली लुक्स ओवरऑल नाइस। अगर आप साइड प्रोफाइल को नोटिस करेंगे तो बिल्कुल वो सेडान वाला लुक है, लेकिन यहाँ पे इसका जो हाइट है ये इंक्रीज्ड है। अब आपको ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा रेस मिलता है अगर आप वेंटो से कंपेयर करेंगे तो। यहाँ पे 179 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जो बहुत ही क्लोज है कॉम्पैक्ट एसयूवीज से, लेकिन ये अनलेडन वेट है। जो लेडन वेट है वो है 145 mm, विच इज़ गुड। आपको सिटी में इसे चलाने में या ख़राब रास्ते में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ में इसमें आपको 16 इंच के मशीन कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो काफ़ी अच्छे लगते हैं, एंड यहाँ पे आपको व्हील और ये गैप आपको थोड़ा सा ज़्यादा महसूस होगा। इसके बारे में हम तब बात करेंगे जब हम इस गाड़ी को ड्राइव एक्सपीरियंस में आपको बताएंगे। साथ में आपको डोर में यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है जो आप कीलेस एंट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये आपको बोथ पैसेंजर एंड ड्राइवर साइड मिलता है। अगर आप रियर प्रोफाइल देखेंगे तो इसका जो टेल लैम्प है ये बिल्कुल स्मोक्ड है, एंड इस वजह से ये काफ़ी अच्छा लगता है। साथ में इसका जो एलईडी टेल लैम्प है ये डिज़ाइन जो है ये पर्सनली हमें बहुत अच्छा लगता है वंस एल्यूमिनेटेड। साथ में इसका जो बम्पर में आपको क्रोम एलिमेंट देखने को मिलता है, दिस ऑल्सो एड्स ऑन। यहाँ पे आपको TSI की बैजिंग मिलती है, एंड काफ़ी स्क्रीज लाइंस देखने को मिलती है जो ओवरऑल सेडान को बहुत ही एजी बनाता है। एंड इसमें आपको ये पर्सनल चॉइस है, हो सकता है कुछ लोगों को बल्जी पसंद आता है, कुछ को एजी। जो बूट स्पेस है वो हमें 521 लीटर का मिलता है, विच इज़ आइडेंटिकल टू स्लाविया। अब यहाँ पे इसका जो 520 लीटर का बूट स्पेस है ये आप इसको डबल कर सकते हैं। ये 60-40 स्प्लिट सीट जो है पीछे के रियर के, उसको अगर आप फोल्ड कर देते हैं। इंटीरियर में आपको आते ही आपको सबसे पहले ये बढ़िया सा आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा जिसमें ग्लॉसी फिनिश भी है, एंड सैटिन क्रोम का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल हुआ है। इसमें आपको टिल्ट आपको मिलता है, एंड टेलीस्कोप भी आपको मिलता है, इस वजह से आपको इसको अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ये आपको ऑल डिजिटल मिलता है जो बहुत ही फ्लूइडिक लगता है। अगर इसका डैशबोर्ड लेआउट की बात करें तो इसमें आपको सैटिन क्रोम का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल देखने को मिलेगा, पूरे जो डैशबोर्ड को सराउंड कर रहा है एंड जो मोनोटोनस है उसको तोड़ रहा है। यहाँ पे आपको सेंटर में ग्लॉसी फिनिश मिलता है जो बिल्कुल स्क्रीन के साथ प्रॉपर मैच्ड है। जो यहाँ पे स्क्रीन है ये आपको 9 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है, जिस एंड एंड्रॉयड ऑटो एंड आपको एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेस से आप एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके कुछ चीज़ें जो थोड़े से हमें अच्छे नहीं लगे वो है इसका एसी वेंट जो सेंटर पे है, ये बिल्कुल और प्लास्टिक सा लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा और अगर वॉक्सवैगन थोड़ा सा काम करती तो ये और बेटर लुकिंग होता। साथ में इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, एंड ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको बिल्कुल वो फेदर टच वाला बटन है, आपको बस आराम से टच करना है एंड ये आप यूज़ करेंगे। साथ में इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट मिलता है जो 2-स्टेप है, जिसमें 2 लेवल ऑफ कूलिंग होता है, एंड ये सफिशिएंट है। आपको स्टार्ट स्टॉप इंजन जो है वो बिल्कुल गियर लीवर के पास मिलता है, तो बहुत ही एक्सेसिबल एरिया है ये। आपको वायरलेस चार्जिंग पॉड भी मिलता है, एंड यहाँ पे आपको हर जगह सी पोर्ट की कनेक्टिविटी जो है वो आपको मिलती है फास्ट चार्जिंग के साथ। उसके अलावा आपको एक आर्मरेस्ट मिलता है जो स्लाइडिंग है, एंड काफ़ी अच्छा इसका रिक्लाइन है, तो आप आराम से हाथ को रख के रिलैक्स होकर आप ड्राइव कर सकते हैं। इसके नीचे आपको थोड़ा सा स्टोरेज मिलेगा जहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं, एंड 2 छोटा कप होल्डर मिलता है। एक चीज़ जो वॉक्सवैगन की गाड़ियों में मुझे पर्सनली अच्छा लगता है वो है इसके जो कंट्रोल्स हैं, जैसे ये विंडो कंट्रोल्स है, ये मिरर कंट्रोल्स हैं, एंड हेडलैम्प है। यहाँ पर आपको हमेशा लाइट मिलेगा,
बाकी गाड़ियों में क्या होता है कि आपको रात में अंधेरे में ढूंढना पड़ता है कहाँ कौन सा बटन है, बट इसमें सब कुछ एल्यूमिनेट होता है जिससे आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं। आपको इसमें ऑटो हेडलैम्प भी मिलता है। तो फीचर वाइज इस कार में बहुत सारे आपको फीचर्स मिलते हैं एंड कैबिन एक्सपीरियंस भी इसका बहुत अच्छा है। सीटिंग की अगर मैं बात करूँ, मैं बहुत ही कम्फर्टेबल होके बैठा हूँ एंड रोड व्यू जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी सी ऊंची है कंपेरेटिव जो सेडान हमने मार्केट में देखा है अभी। रियर सीट कंफर्ट इसका काफ़ी अच्छा है, आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे मुझे काफ़ी स्पेस अभी भी मेरा बचा है एंड जो नी रूम है वो अभी भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर एक एवरेज इंडियन हाइट के हिसाब से अगर कोई बंदा यहाँ पे बैठेगा तो वो कंफर्टेबली बैठेगा एंड उसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। रियर में आपको एसी वेंट मिलता है विथ दो यूएसबी सी फास्ट चार्जिंग ऑप्शन के साथ। उसके अलावा यहाँ पे आपको डोर पॉकेट्स मिलते हैं एंड यहाँ पे आपको एक ट्विटर मिलता है। उसके अलावा ये जो सीट का रिक्लाइन एंगल है, थोड़ा सा और अगर ये पीछे होता रिलैक्स्ड वे में रिक्लाइन, अगर एक स्टेप भी अगर ये थोड़ा सा पीछे होता तो और कंफर्टेबल होता। साथ में आपको वर्टस में सनरूफ मिलता है जो मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है कंपैरेटिव जो हमने दूसरे कॉम्पैक्ट एसयूवीज में देखा था उसके मुकाबले ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, थोड़ा वाइड है एक्चुअली। वर्टस में जो 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड टीएसआई इंजन मिलता है ये वो सेम इंजन है जो हमने पोलो में भी एक्सपीरियंस किया है एंड इवन वेंटो में भी एक्सपीरियंस किया है। ये इंजन रिफाइंड है अंटिल आप इसे बहुत हाई रेव कर रहे हैं, जब ये पोस्ट 2500 RPM के ऊपर जाती है तो थोड़ा सा वो ग्रंट आपको बिल्कुल कैबिन तक सुनाई देता है। पावर आपको 1750 RPM से ही डिलीवर होना स्टार्ट हो जाता है विच इज़ रियली गुड एंड ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इनिशियल लैग महसूस होता, बट येस यू कैन फील इट बट बहुत स्लाइटली। अगर मैनुअल की बात करें तो वहाँ पे आपको 6-speed मैनुअल मिलता है इसमें 1 लीटर में एंड ऑटोमेटिक की बात करें तो इसमें आपको एक टॉक कन्वर्टर मिलता है विच इज़ 6-speed अगेन। करंटली हम टॉक कन्वर्टर ड्राइव कर रहे हैं एंड इसका हमें थोड़ा सा लैग महसूस होता, बट येस दिस इज़ अगेन बेटर देन वॉट वी हैव एक्सपीरियंस अर्लियर इन द वेंटो। अब अगर इसकी हम ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें आप दो तरीके से इसको अपने कंट्रोल में ले सकते हैं ऑटोमेटिक में। सबसे पहला पैडल शिफ्टर्स, आप फटाफट यहाँ से इंगेज कर सकते हैं पैडल शिफ्ट्स एंड आप फटाफट उसको दोबारा डिसइंगेज कर सकते हैं। आप सिटी में इसे ड्राइव करें या हाईवे पर ड्राइव करें कोई इशू नहीं होता, बट येस जब थोड़ा ओवरटेक करना होता है वहाँ पर आपको शायद पैडल शिफ्टर्स यूज़ करना पड़े कि आप एक गियर डाउन करके फिर ओवरटेक करें। राइड कंफर्ट की बात करें तो इसका राइड कंफर्ट बहुत ही बढ़िया है, रीज़न बीइंग इसका सस्पेंशन जो है वो फर्म है, थोड़ा स्टिफनेस आपको महसूस होगा लेकिन वो फर्मनेस भी बहुत अच्छे से मैनेज्ड है। पहला इसका जो प्लेटफॉर्म है MBQ जो इंडिया स्पेसिफिक है वो बहुत ही ज़्यादा अजाइल है। दूसरा इसका जो टायर है वो वहाँ पे आपको रबर प्रोफाइल ज़्यादा मिलता है, यह 16 इंच का इसमें आपको व्हील मिलता है जो थोड़ा छोटा लगता है, इनफैक्ट वो 16 इंच का व्हील ही इसका जो फर्मनेस है उसको बैलेंस आउट करता है। विद दैट नोट आई एम संतोष पाल साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगले वीडियो में। बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक द वीडियो सो दैट हम ऐसे ही आपके लिए और भी नया कंटेंट लेकर आएं।